पंकजांगिरी प्रभु जी उस समय आरती कर रहे थे नरसिंहदेव भगवान की। तो आरती करते हुए उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा विशाल कोबरा वहां पर आया। वो ऑपरेशन नरसिंहदेव भगवान ने ही किया था। अच्छा, कई लोगों के मन में ये अभी प्रश्न हो रहा है कि भगवान के इतने शुद्ध भक्त ऐसे कैसे चले गए। जैसे हिजोलियस भक्ति चारु स्वामी महाराज ने भी अभी जब शरीर त्यागा था अपना, तब भी यही प्रश्न उठ रहे थे और अब भी यही प्रश्न उठ रहे हैं कि इतने शुद्ध भक्त भगवान के तो ऐसे कैसे चले गए। हरे कृष्णा। पूरा भक्त समाज बहुत ही बड़े दुख से गुजर रहा है क्योंकि हमारे बहुत ही डियर मोस्ट हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी हमसे विदा ले चुके हैं। इस धरा धाम को छोड़ के वो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो दुख इस बात का है कि अब हमको उनका संग प्राप्त नहीं होगा, और खुशी इस बात की है कि वो भगवान की सेवा में नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो हम आज कुछ पास्ट टाइम्स प्रभु जी के डिस्कस करेंगे और कुछ लीलाएं उनकी, और उनके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम खुद का शुद्धिकरण कर सके, टू प्योरीफाई आवर सेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी। 1973 में अपने जुड़वा भाई हिज ग्रेस जन निवास प्रभु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया, और जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मायापुर, वहाँ पर ही अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। पुजारी, मैनेजर, स्पीकर, एजुकेटर, कीर्तनिया, सबके अंकल, सबके फ्रेंड, सबके मेंटोर, सबके गाइड, क्या क्या खूबियाँ नहीं थी पंकज आंगरी प्रभु जी में। एक भक्त के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जो मायापुर कम्युनिटी है, जो भक्तों का पूरा जो इस्कॉन जो समाज है हमारा, सबके लिए पंकज आंगरी प्रभु जी एक स्रोत थे कि वो भगवान, एक माध्यम थे कि कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। उन्होंने जो डीटी वर्शिप है उसकी एक अलग क्लास उन्होंने स्थापित किया कि डीटी वर्शिप हमें कैसे करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड अगर आज हम देखते हैं तो वहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। पंकज आंगरी प्रभु जी ने बहुत सारे ब्राह्मण्स को ट्रेन किया, और जो मायापुर एकेडमी है जो ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके निकले और बहुत अलग अलग जगह पर वो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो पंकज आंगरी प्रभु जी से बहुत लोग जुड़े हुए थे, पूरा विश्व जो है उनसे जुड़ा हुआ था, और उनके माध्यम से वो भगवान की सेवा करना सीख रहा था। उनके माध्यम से वो नरसिंह देव भगवान को अपनी प्रेयर्स पहुंचाते थे, और नरसिंह देव भगवान से पंकज आंगरी प्रभु जी सबके लिए प्रे करते थे, सबके लिए प्रे करते थे। जो कोई भी मायापुर अगर गया है तो उनके माइंड में एक इमेज अवश्य छपी होगी पंकज आंगरी प्रभु की, नरसिंह देव भगवान के ऑल्टर में हमेशा वो खड़े रहते थे और वहाँ पर आरती परफॉर्म करते थे। तो फाउंडिंग बोर्ड मेंबर हैं मायापुर एकेडमी के पंकज आंगरी प्रभु जी, और वीकली श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत क्लास भी देते थे और सबको जो है वो एनलाइटन करते थे। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो उनके जितने भी पार्षद थे अलग अलग जगह पर वो प्रकट हुए, और अलग अलग जगह जहाँ पर भी उनके पार्षद प्रकट हुए, सिर्फ अपने परिवार का ही, सिर्फ अपने समाज का ही नहीं, पूरे उस जो पूरा एरिया है वहाँ पर सबका उन्होंने उद्धार कर दिया। ठीक वैसे ही जब श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए तो उनके पार्षद भी अलग अलग जगह प्रकट हुए। तो पंकज आंगरी प्रभु जी इंग्लैंड में, लंदन में प्रकट हुए थे, और वहाँ पर फिर वो लंदन में ही प्रभुपाद जी से फर्स्ट टाइम मिले थे भक्तिवेदांत मेनोर में, जो जॉर्ज हैरिसन ने गिफ्ट किया था प्रभुपाद जी को, तो वहाँ पर मिले थे। फिर आगे प्रभुपाद जी से दीक्षा लेकर फिर उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्री श्री राधा माधव जी मायापुर के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि ये जो दोनों भाई हैं पंकज आंगरी प्रभु जी और जन निवास प्रभु जी, ये ऑलरेडी दे आर एडवांस डिवोटी, इनका मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी जानते थे दोनों भाई के बारे में, और उन्होंने एक तरह से उनको मायापुर में सेवा दिया, और मायापुर में एक तरह से क्षेत्रज्ञ संन्यास जिसे कहते हैं वो रहकर वहाँ पर उन्होंने राधा माधव की पूरे जीवन अपने सेवा करते रहे। 1966 में नरसिंह भगवान की वहाँ पर स्थापना हुई थी मायापुर में, और तब से 35 वर्षों से वो नरसिंह भगवान की वहाँ पर सेवा कर रहे थे। और जैसे कि हमने बताया कि नरसिंह देव भगवान से वो सबके लिए प्रार्थना करते थे, तो एक महेश प्रभु जी हैं जो कि लंदन में रहते हैं, भक्त हैं, तो उनकी पत्नी को एक्यूट यूटरिन कैंसर हो गया था। तो वहाँ पे लंदन में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब मतलब कोई चांस नहीं है, मैक्सिमम 3 महीने और ये बचेंगी, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो
फिर यहाँ पर एक भक्त ने पंकज आंगरी प्रभु जी को बताया, उस समय पंकज आंगरी प्रभु जी नरसिंह देव भगवान के अभिषेक की तैयारी कर रहे थे कि ऐसे ऐसे लंदन में माता जी हैं, महेश प्रभु जी हैं, तो उनकी वाइफ हैं, वो उनको ऐसे कैंसर है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो पंकज आंगरी प्रभु जी ने पूछा क्या नाम है माता जी का, तो उन्होंने पेपर पर लिख के दिया। तो उस समय फिर पंकज आंगरी प्रभु जी ने उनके लिए प्रे किया, और उसी समय जर्मनी में उनका माता जी का ऑपरेशन चल रहा था, और जब ऑपरेशन के बाद जब वो उठी, जब माता जी होश में आई, जयश्री माता जी उनका नाम है, जयश्री, तो जब वो होश में आई तो उन्होंने अपने पति यानी महेश प्रभु जी को बताया कि मैं मतलब कि आई एम फीलिंग टोटली चेंज्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एविल मेरी बॉडी से निकल कर चला गया हो, और मैं जब बेहोश थी तो मेरे स्वप्न में नरसिंह देव भगवान आए थे और भक्त प्रहलाद जी नरसिंह देव भगवान की ग्लोरीज मुझको बता रहे थे। तो फिर वो जर्मनी से लंदन गए, फिर लंदन में जब उनका दोबारा सारा टेस्ट हुआ, स्कैन वगैरह हुआ, तो वहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट थे वो हैरान हो गए कि मतलब कैंसर का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो उन्होंने फ़ोन किया जर्मनी में जो डॉक्टर्स ने जो ऑपरेट किया था, तो उनसे पूछा सर्जन से कि ऐसे ऐसे हमको तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा कैंसर का। तो जर्मन जो डॉक्टर्स थे वो उनको बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने रिपोर्ट मंगवाया, उन्होंने देखा वास्तव में उनके शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। दे वर टोटली शॉक्ड, मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कैसे कि जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, 3 महीने में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 3 महीने मैक्सिमम बस, और उनके शरीर में कैंसर कोई नामो निशान नहीं। फिर दोनों महेश प्रभु और जय श्री माता जी मायापुर आए, तो मायापुर आके जय श्री माता जी नरसिंह देव भगवान के सामने खड़े होकर लगातार रो रही थी, लगातार रो रही थी। फिर वो जन निवास प्रभु जी से मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया दोनों को, और तो और जन निवास प्रभु जी ने फिर बताया कि वो ऑपरेशन नरसिंह देव भगवान ने ही किया था। तो दोनों बहुत 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 ग्रेटिट्यूड फील किया उन्होंने, और उन्होंने प्रण लिया कि हम हर वर्ष मायापुर आएंगे। और वहाँ पर डॉक्टर्स ने भी रिसर्च किया तो उनको पता चला अच्छा नरसिंह देव भगवान है जो कि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक समय मायापुर मंदिर में शालिग्राम शिला जो होती है वो गुम हो गई, तो सारे पुजारी बहुत परेशान हो गए कि शालिग्राम शिला गई कहाँ, सब ढूंढने लगे। फिर पंकज आंगरी प्रभु जी के पास गया, बोला कि प्रभु जी ऐसे ऐसी बात है, देखो शालिग्राम शिला मिल नहीं रही है, क्या करें हम, बहुत दिक्कत है। तो पंकज आंगरी प्रभु जी बैठे और सोचने लगे कि शालिग्राम शिला इतनी गर्मी में कहाँ जा सकते हैं, शालिग्राम शिला कहाँ पे मिलते हैं, मंदाकिनी नदी में जो कि हिमालय में है और वहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है, और उस समय मायापुर में बहुत गर्मी थी, तो मे बी वो चिल आउट करने गए हों शालिग्राम शिला। तो पंकज आंगरी प्रभु जी सीधा उठ कर गए किचन में, वहाँ पर उन्होंने फ्रीज़र खोला और वहाँ पर आम का जो मैंगो आइसक्रीम था उसको खोला, तो आइसक्रीम के डब्बे के अंदर शालिग्राम शिला जी थे। तो बहुत अद्भुत लीला है जो कि भगवान प्रकट करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। ऐसे ही एक समय की बात है कि जैसे कि आप लोग जो मायापुर गए हैं आपको पता होगा कि वहाँ पर गंगा नदी है, और जब मानसून आता है तो गंगा नदी बाढ़ आ जाता है, तो मंदिर में पानी भर जाता है, पूरा ऑल्टर तक 4-4 फीट तक पानी आ जाता है। तो एक समय की बात है कि उस समय बहुत ज़्यादा पानी आया था, मतलब 4 फीट से भी ऊपर आ गया था, और नरसिंह देव भगवान के बिल्कुल ऑल्टर तक आ गया था वो पानी। तो मतलब इतना पानी होता है कि एक ऑल्टर से दूसरे ऑल्टर पर स्विम करके जाना होता है भक्तों को। तो पंकज आंगरी प्रभु जी उस समय आरती कर रहे थे नरसिंह देव भगवान की, तो आरती करते हुए उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा विशाल कोबरा वहाँ पर आया। तो पंकज आंगरी प्रभु जी ने देखा, उन्होंने सोचा क्या करूँ मैं, आरती छोड़ के जाऊँ या आरती कंटिन्यू करूँ। तो फिर पंकज आंगरी प्रभु जी ने सोचा कि मैं विश्व के सबसे सुरक्षित जगह पर अभी हूँ, नरसिंह देव भगवान के चरणों में हूँ, तो इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है। तो उन्होंने अपनी आरती कंटिन्यू की और भगवान से, नरसिंह देव भगवान से प्रे किया, तो कोबरा जो विशाल कोबरा था वो आया रेंगता हुआ और ऑल्टर में, नरसिंह देव भगवान के ऑल्टर में ऐसे गोल 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 होकर वहाँ पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ पर सोता रहा। ही वॉज टेकिंग अ नैप, सोया बहुत देर तक और फिर उठकर चला गया। तो पंकज आंगरी प्रभु जी सेवा कर रहे थे मायापुर मंदिर में, लेकिन वो बेसिकली लंदन से थे, तो अपने वीज़ा के कुछ पर्पज़ से वो वापस लंदन गए, 30 वर्षों बाद वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर एक बिलियनियर के पास गए थे, तो उनसे डोनेशन के लिए और उनको प्रीचिंग करने के लिए। तो उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति धनी व्यक्ति था, पूछा पंकज आंगरी प्रभु जी से कि आप क्या करते हो, मतलब जब आपने ज्वाइन किया था कैसे ज्वाइन किया था, पूरा डिटेल पूछा। तो पंकज आंगरी प्रभु जी ने बताया कि मैं ऐसे 1970s में मैंने ज्वाइन किया था। तो वो तो उन्होंने पूछा कि तो आप क्या करते थे उस समय, बोला मैं भगवान की पूजा करता था। बोले अच्छा, हो 30 वर्षों से आप भगवान की पूजा, गुड गुड, और अभी क्या कर रहे हैं आप, बोला कि अभी भी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ।
तो बोले अभी भी पूजा कर रहे हैं? तो वो आदमी थोड़ा शॉक हो गया, बोला कि तब भी पूजा कर रहे थे और अब भी, क्योंकि बेसिकली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अगर हम मतलब एक लेवल से फिर 30 वर्षों में तो बहुत हमको लेवल अपग्रेड हो जाते हैं ना। तो बोला कि लेकिन आप जैसे कुछ होता है ना कि बहुत मतलब मैनेजर बनते हैं फिर प्रीचिंग करते हैं ये करते हैं, तो आपका ऐसा कुछ नहीं, आप ऊपर नहीं उठना चाहते? तो बोले कि हम जो हैं मतलब मैं और मेरे भाई जो जन निवास प्रभु जी, हम कॉन्शियसनेस लेवल पे हम ऊपर उठना चाहते हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ, वो जो व्यक्ति था वो बहुत इम्प्रेस हुआ कि ही इज़ अ रियल साधु। 1980s में मायापुर मंदिर में बहुत कष्ट आते थे, वहाँ पर बहुत सारे जो डकैत थे वो वहाँ पर हमला करते थे, भक्तों पर भी हमला करते थे और विग्रह पर भी। तब किसी ने सजेस्ट किया कि नरसिंह देव भगवान को यहाँ पर लाना चाहिए। तो नरसिंह देव भगवान को लाने की भी बहुत, वो भी एक अलग स्टोरी है, वो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो वो नरसिंह देव भगवान को लाया गया वहाँ पर और वो उग्र नरसिंह है, तो उनकी सेवा भी करने के लिए हमको वी शुड बी वेरी प्योर, मतलब कि ब्रह्मचारी होने चाहिए जो कि दृढ़ ब्रह्मचार व्रत का पालन करते हों। तो उनकी सेवा के लिए हिचक रहे थे डिवोटीज आगे आने में कि ठीक है मैं कर लूँगा, ना हाँ ना कर रहे थे। फिर पंकज आंगरी प्रभु जी और जन निवास प्रभु जी कॉन्फिडेंटली आ गए कि हम सेवा करेंगे। तो तब से वो लोग वहाँ पे सेवा कर रहे हैं इतने वर्षों से नरसिंह देव भगवान के वहाँ पर। एक पास टाइम हरिवर प्रभु जी बताते हैं कि वो पंकज आंगरी प्रभु जी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। तो पंकज आंगरी प्रभु जी इतने हम्बल मतलब इतने सीनियर डिवोटी हैं फिर भी इतने हम्बल कि सबको रेस्पेक्ट दे रहे थे और किसी से कोई सेवा नहीं ले रहे थे, सब कुछ अपने आप ही कर रहे थे। तो एक ब्रजवासी एक छोटा बच्चा आया, बोला अरे बाबा टॉफ़ी दो टॉफ़ी। तो पंकज आंगरी प्रभु जी टॉफ़ी रखते थे सबको देने के लिए बच्चों को। तो उन्होंने एक टॉफ़ी पहले बोला कि नहीं पहले बोलो कि हरे कृष्णा बोलो। तो उस बच्चे ने बोला हरे कृष्णा। तो पंकज आंगरी प्रभु जी खुश हो गए तो स्माइल करके उनको टॉफ़ी दिया बच्चे को, तो चला गया। फिर थोड़ा आगे गए फिर एक बच्ची आई, तो उन्होंने चादर खींचा पंकज आंगरी प्रभु जी के पीछे से, बोला बाबा बाबा टॉफ़ी दो टॉफ़ी। तो पंकज आंगरी प्रभु जी ने उनसे भी बोला कि हरे कृष्णा बोलो पहले। तो उस बच्ची ने बोला जय श्री राधे। तो पंकज आंगरी प्रभु जी ऐसे टॉफ़ी निकालने गए, एक टॉफ़ी निकाल रहे थे तो बहुत सारी टॉफ़ी निकल के गिर गई। तो वो बच्ची ने बोला कि ये वृंदावन है बाबा, यहाँ पर कृष्ण नाम लोगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन राधा का नाम लोगे तो जितना डिजर्व करते हो उससे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जो हरिवर प्रभु थे वो रिएक्शन देखना चाहते थे पंकज आंगरी प्रभु जी का क्या है। तो वो देखा तो पंकज आंगरी प्रभु जी गायब थे ही नहीं वहाँ पर। तो नीचे देखा तो वो लेटे हुए थे, दांडवत कर रहे थे उस बच्ची को, जिससे तो दांडवत कर रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब मेरे लिए भी राधा रानी जी से प्रार्थना करना। पंकज आंगरी प्रभु जी और जन निवास प्रभु जी बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं वो लोग। तो एक बार पंकज आंगरी प्रभु जी प्रभुपाद जी के जो कॉरिडोर था, जो रूम था प्रभुपाद जी का बाहर कॉरिडोर में, वहाँ पर पोछा लगा रहे थे। तो प्रभुपाद जी निकल के आए, बोले कि और कोई नहीं कर सकता क्या, और कोई नहीं है करने के लिए, मतलब आपको करना ज़रूरी है क्या? तो पंकज आंगरी प्रभु जी समझ गए कि वो सोच रहे हैं कि ये जन निवास प्रभु हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं प्रभुपाद जी, मैं जन निवास प्रभु जी का छोटा भाई हूँ मैं, पंकज आंगरी। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओके 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 देन कंटिन्यू। तो मतलब सब कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि इतने आइडेंटिकल थे वो। तो ऐसे बहुत सारे पास्ट टाइम्स हैं जो कि पंकज आंगरी प्रभु जी के हम डिस्कस कर सकते हैं। इवन पंकज आंगरी प्रभु जी के इतने चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हैं डीटीज के साथ, श्री राधा माधव जी के साथ, श्री नरसिंह देव भगवान जी के साथ, श्री पंचतत्व के साथ, लेकिन वो सब हम यहाँ पर नहीं बता सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो बट हाँ इतना हम ज़रूर समझ सकते हैं कि पंकज आंगरी प्रभु जी जो हैं वो वैकुंठ से ही आए थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि दोनों भाई जो हैं दे आर वैकुंठा डिवोटीज। तो अच्छा, कई लोगों के मन में ये अभी प्रश्न हो रहा है कि भगवान के इतने शुद्ध भक्त ऐसे कैसे चले गए, जैसे हिजोलिनस भक्ति चारु स्वामी महाराज ने भी अभी जब शरीर त्यागा था अपना तब भी यही प्रश्न उठ रहे थे और अब भी यही प्रश्न उठ रहे हैं कि इतने शुद्ध भक्त भगवान के तो ऐसे कैसे चले गए बीमारी से। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जो भक्त होते हैं भगवान के, ये सब जो नित्य मुक्त पार्षद होते हैं, ये अपनी लीला करने के लिए आते हैं और लीला समाप्त करके वापस चले जाते हैं। तो लीला समाप्त करने का एक माध्यम उनको चुनना होता है, जैसे कि इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी बोलते हैं कि ये एक सिकनेस पास्ट टाइम भी है ये, कि मतलब कि जब कोई भक्त बीमार होता है तो बाकी जो वैष्णव होते हैं भक्त होते हैं उनको उनका सेवा करने का मौका मिलता है। तो ठीक ऐसे ही जब पंकज आंगरी प्रभु जी जब बीमार हुए तो पूरा विश्व उनके लिए प्रे कर रहा था, उनके लिए जप कर रहा था हृदय से उनके लिए, तो सब लोग उस टाइम कृष्णा कॉन्शियस थे, कृष्ण भावना भावित थे। तो ये एक तरीके से
भक्तों को और ज्यादा भगवान से जोड़ने का तरीका है सिकनेस पास टाइम में। और जो भक्त जो शरीर छोड़ते हैं वो वैसा शरीर छोड़ना नहीं होता जैसा कि बाकी लोगों के साथ होता है। बाकी लोगों के साथ अगर आप देखेंगे शरीर छोड़ रहे हैं तो वो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद जी की, जो बिल्ली होती है जब अपने बच्चे को मुख में दबाती है, जब कैरी करना होता है बच्चा, जब चल नहीं पाता बिल्ली का, तो उसको मुख में दबा के लेके जाती है, तो वो बच्चा सेफ महसूस करता है कि मैं उसके दांत में अपनी माँ के मैं सेफ हूँ, और उसको बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आती, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देती है। और वही बिल्ली अगर उसी दांत से एक चूहे को दबाती है तो उसके चीथड़े उड़ा देती है, मतलब चूहा दम तोड़ देता है। तो भक्तों का भी ऐसा ही है कि हमको ऐसा दिखता है कि वो मतलब काल के उसमें जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है, लेकिन वो एक भगवान जैसे बिल्ली अपने माँ जैसे अपने बच्चे को, वैसे ही भगवान अपने बच्चे की तरह भक्त की केयर करते हैं। शरीर तो सबको त्यागना है, भौतिक शरीर हमको त्याग के, क्योंकि हमारा रियल जो हमारा घर है वो भगवान का धाम ही है, तो शरीर तो सबको त्यागना है। तो भक्त जो होते हैं भगवान के नित्य मुक्त पार्षद, वो अपनी लीला समाप्त कर देते हैं और एक जरिया चुनते हैं, माध्यम चुनते हैं कि मैं ऐसे अपनी लीला समाप्त करूंगा। तो जब पंकज आंगरी प्रभु जी का जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था तो वो जाने को तैयार नहीं थे कोलकाता, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जननिवास प्रभु भी नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सब भक्तों का इतना प्रेम था उनसे कि बोले नहीं प्रभु जी आप प्लीज़ प्लीज़ चलिए प्लीज़ चलिए। लेकिन तो उनका प्रेम देखकर पंकज आंगरी प्रभु जी तैयार हो गए कोलकाता जाने के लिए। लेकिन फिर जैसे उनका मतलब वो हुआ ठीक हुआ, वो तुरंत उन्होंने बोला कि मुझे मायापुर जाना है, धाम जाना है वापस। तो वहाँ से वो वापस फिर उनको धाम लाया गया, रात को 1 बजे ही आए। और आप देखेंगे, आप वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि आप जब वो वापस आए हैं तो हाथ उठाकर वो नृत्य कर रहे हैं, लेटे लेटे कीर्तन हो रहा है, और फिर भी इतना मतलब उनकी हालत ऐसी है, ख़राब है, फिर भी वो हाथ उठा के वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कीर्तन को। तो शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं। और जब वो शरीर अपना छोड़ रहे थे, उनको पता था कि क्योंकि वो अपना क्या है कि वो अपना उन्होंने चुना है इस समय कि अब मैं शरीर को छोड़ना हूँ, तो उन्होंने बोल तो नहीं रहे थे, उन्होंने लिख के दिया कागज़ में कि मुझे श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर और श्रीमद् भागवतम के लेक्चर सुनने हैं। और उनको सुनाया गया, वहाँ पर प्ले किया गया, और कीर्तन करते करते उन्होंने वहाँ पर अपना शरीर त्यागा। तो हम सब के लिए तो बहुत ही दुख की बात है कि पंकज आंगरी प्रभु जी का संग अब हमें नहीं मिलेगा। अब जब हम मायापुर जाएंगे तो ऑल्टर में नरसिंहदेव भगवान के पंकज आंगरी प्रभु जी खड़े हुए हमको नहीं मिलेंगे। पंकज आंगरी प्रभु जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो कि हमको अपनी लाइफ लाइन बना लेनी चाहिए। भगवद्गीता क्लास में उन्होंने कहा था, आई एम एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड देयर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन साधु शास्त्र एंड गुरु। मैनी कैन नॉट पुट दिस इंटू प्रैक्टिस, देन देर आर दोज हु पुट दिस इंटू प्रैक्टिस बट कैन नॉट प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग, एंड देर आर दोज हु प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग बट हु स्टिल फॉल अवे। डिवोशनल सर्विस कैन बी क्वाइट टेस्टिंग। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम आध्यात्मिक सेवा में जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक कार्यों में, यहाँ पर पल पल पर माया द्वारा खतरा है। हम उनके लाइफ से सीखते हैं, फिर पंकज आंगरी प्रभु जी का जो मैसेज है ये हम कैरी कर सकते हैं अपने पूरी लाइफ के लिए, कि वी शुड नेवर थिंक कि हम बहुत सीनियर हो गए हैं, अब हमें माया टच भी नहीं कर सकती, हम तो बस अपनी मनमानी करेंगे। नहीं, माया हमको कभी भी टच कर सकती है। तो हम सब पंकज आंगरी प्रभु जी को बहुत बहुत मिस करेंगे। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, वी विल मिस यू इन चंदन यात्रा, वी विल मिस यू इन नरसिंह चतुर्दशी, वी विल मिस यू इन झूलन यात्रा, वी विल मिस यू इन बोट फेस्टिवल, वी विल मिस यू इन श्री श्री राधा माधव एलिफेंट प्रोसेशन, वी विल मिस यू इन परिक्रमा, वी विल मिस यू इन जगन्नाथ कथा, वी विल मिस यू इन ड्रामा, वी विल मिस योर वंडरफुल डांस, वी विल मिस यू इन फीस्ट, वी विल मिस योर प्रेजेंस इन ऑल द अभिषेक। Many kids will miss the wonderful Anna present from your lotus hand. We will miss your classes. We will miss the Mayapur that was in your presence.